मुख्तार अंसारी, जिसकी यूपी की राजनीति में तूती बोला करती थी, वो भले ही आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी मौत पर सियासत जारी है। यूपी में योगी सरकार पर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। साथ ही यूपी के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी सपा मुख्तार की मौत का सियासी फायदा उठाने की भी कोशिश कर रही है। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी की हमदर्दी में लखनऊ में सपा के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर पर मुख्तार अंसारी के साथ सपा नेता राम सुधाकर यादव की तस्वीर लगाई गई है और पोस्टर में लिखा गया है कि मुसलमान भाई इस बार ईद नहीं मनाए और वो मुख्तार अंसारी के लिए दुआ मांगे। अब आपको बताते हैं कि पोस्टर लगवाने वाले ये नेताजी कौन है। दरअसल पोस्टर में जिस राम सुधाकर यादव के नाम से ये अपील की गई है, वो मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगा ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा नेता राम सुधाकर यादव ने इस पोस्टर के जरिए मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद के दिन ईदगाह पर मौन रखें। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मौत हो गई थी। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। माफिया मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। यूपी की कई अदालतों में मुख्तार को सितंबर 2022 से 8 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहा। अंसारी के परिवार के सदस्यों ने उसकी मौत के कारण पर शक जताते हुए दावा किया था कि उसे जेल के अंदर धीमा जहर दिया गया था। हालांकि प्रशासन ने इस आरोप को गलत बताया और राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। बहरहाल गाजीपुर के साथ साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर माफिया मुख्तार अंसारी का प्रभाव माना जाता था। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुख्तार की मौत से हमदर्दी जताकर समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है और पार्टी की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो नतीजों से ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।